आगे बढ़ते रणथंभौर से आ रही इस वक्त की बुरी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। रणथंभौर से बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की, बाघिन T60 के शावक की मौत हो गई है। रणथंभौर से बुरी खबर है, बाघिन T60 के शावक की मौत हुई। हालांकि वन विभाग ने नहीं किया अभी आधिकारिक पुष्टि, मौत हो गई है बाघिन T60 के शावक की, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी वन विभाग की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों का दावा ये कि गांधरिया वन क्षेत्र में हुई शावक की मौत, और साथ ही अब इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जाएगी कि मौत की वजह क्या हो सकती है। अभी वन विभाग बच रहा है, साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वाकई में अगर मौत हुई है तो फिर इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन सूत्रों का दावा है कि गांधरिया वन क्षेत्र में शावक की मौत हुई। रणथंभौर से ये दुखद खबर है, इस वक्त की बुरी खबर, बाघिन T60 के शावक की मौत। वन विभाग के अधिकारियों से लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल खबर ये कि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है T60 के शावक की मौत की, और अब मौत की वजह क्या हो सकती है ये भी अभी साफ नहीं है। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, अभी आधिकारिक पुष्टि तो की नहीं गई है, लेकिन खबर ये कि T60 के शावक की मौत हो गई, अब इसके पीछे क्या वजह, क्या जानकारी है पूरी? देखिए दीपा, जब हमने अभी खबर चलाई उससे ठीक बाद में हमारी दोबारा अधिकारी से बात हुई तो पुष्टि कर चुके हैं आधिकारिक तौर पर अब वो कि T60 जो है उसका जो शावक है उसकी मौत हो चुकी है, और गांधरिया देह करके जो टेरिटोरियल वन क्षेत्र है उसमें गांधरिया देह करके जगह है वहां पर उसकी मौत हुई है। और प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला किया, यानी किसी दूसरे वाइल्ड एनिमल ने, वो हाइना भी हो सकता है, वो पैंथर भी हो सकता है, या कोई और बाघ भी हो सकता है जिसने उसके ऊपर हमला किया। अभी कुछ ही देर में उसका पोस्टमार्टम होगा, उसको राजबाग नाके पर लाया गया है, टेरिटोरियल क्षेत्र का जो राजबाग नाका है वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, और उसके बाद उसकी आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि वजह क्या रही उसकी मौत की, शावक की। लेकिन निश्चित तौर पर बुरी खबर है, और रणथंभौर में इन दिनों वैसे भी दीपा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी पैंथर से मोटरसाइकिल वाले टकराते हैं तो कभी बहुत नजदीक से बाघ के पास जो कैंटर चालक है वो अपने वाहन को ले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो ब्रीचेज है मैनेजमेंट के अंदर वो देखने को मिल रहे हैं। और आज जब T60, क्योंकि बहुत दिनों से देखा था कि पर्यटकों को लगातार T60 और उसका शावक दिखाई दे रहे थे, तो अच्छी खबर इस रूप में मानी जा रही थी कि अच्छा है जैसे जैसे ज्यादा दिखेंगे वहाँ रणथंभौर में पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन आज जब सुबह ये बुरी खबर आई है तो कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट के जो ब्रीचेज हैं उनको भरने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जंगलात महकमे को इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पर्यटन ज्यादा बढ़ता जा रहा है रणथंभौर में उसमें जो मिसमैनेजमेंट की जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज की जो ये खबर है ये हिलाने वाली है, और अब ये देखना भी होगा कि अगर जानवर ने हमला भी किया तो जो सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ था पूरा उस क्षेत्र के अंदर वो कैसे फेल हो गया, जो मॉनिटरिंग टीम थी, ट्रैकिंग टीम थी, वो कहाँ थी, तो तमाम बातें हैं, इनका भी उत्तर आना है। लेकिन निश्चित तौर पर बुरी खबर है T60 का शावक। बिल्कुल निर्मल, जो तमाम व्यवस्थाएं चल रही है उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, और जो लापरवाही जहाँ पर बरती जा रही है उसको और मजबूती से दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।